नमस्कार, साथ के कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। बुलेटिन की शुरुआत मैहर की बड़ी खबर के साथ, जहां जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और एक बस सड़क के किनारे खड़े हाई बस से जाकर टकरा गई। और दरअसल इस हादसे के बाद अब तक 9 लोगों की मौत की खबर मिली है। मौत का जो आंकड़ा है वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बढ़ सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और कई यात्री अभी गंभीर रूप से घायल स्थिति में है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। नेशनल हाईवे 30 पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार प्राइवेट बस प्रयागराज से नागपुर जा रही थी, तभी सड़क किनारे खड़े गिट्टी से भरे हाई बस से बस टकरा गई। नादन थाने से सिर्फ 500 मीटर दूर से यह हादसा हुआ है। बचाव और राहत कार्य जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मैहर से, जहां पर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक बस सड़क के किनारे खड़े हाई बस से टकरा गई और हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। और इस पूरे मामले में जो तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ी ही दुर्भाग्य और डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं, इसलिए हम आपको इन तस्वीरों को साफ साफ नहीं दिखा सकते। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हादसे के बाद रेस्क्यू और हादसे के बाद जो इलाज के लिए घायलों को ले जाया जा रहा था, उस वक्त की भी ये तस्वीरें और ये पूरा जो हादसा है। अब हालांकि इस मामले की जांच की भी आवश्यकता है कि किन परिस्थितियों में हादसा हुआ, जिससे कि इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। पत्थर से भरा हुआ डंपर साइड में था हालांकि, बट बस तेजी से आकर के उसमें टकराई है, जिससे काफी तेजी से जो है बस की स्पीड संभवतः रही होगी, जिससे बस में बैठे हुए जो यात्री थे उनको नुकसान पहुंचा है। और ये पूरे राहत और बचाव कार्य के बाद जो संख्या है, लगभग 6 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और लगभग 17 लोग इसमें घायल हैं, जिनका उपचार अमरपाटन, सतना और मैहर के अस्पतालों में। और ये जो पूरा हादसा रहा, इस हादसे के कारण हालांकि पुलिस अधिकारी जो प्रथम दृष्टा बता रहे हैं वो ये कि गति बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एक कारण तो ये बना और दूसरा कारण ये कि सड़क पर खड़ा हाईवा जो रात के अंधेरे में संभवतः ड्राइवर को दिखा नहीं, या हो सकता है उसे नींद की झपकी आई हो, या ये कारण ऐसे अभी हो सकते हैं। हालांकि सिर्फ इस बारे में कयास ही लगाए जा सकते हैं, जबकि जो वर्तमान स्थिति रही, तत्कालीन स्थिति जो रही, उसके बारे में अभी जाँच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। हालाँकि 9 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई है, जबकि चिंता का कारण यह है रेनू कि अभी आगे इस हादसे में घायल लोगों की स्थिति इतनी गंभीर है कि मरने वालों का भी आंकड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बढ़ सकता है। और चलिए सिद्धू करेंगे, सतना से संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, सबसे पहले तो बताइए कि जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है, कितने लोग हैं जो घायल हुए हैं, क्या गंभीर अवस्था में भी हैं, और ये जो हादसा हुआ है बहुत ही दुखद है। जो हाईवा खड़ा हुआ था, क्या कोई संकेत नहीं मिल पाए बस चालक को, कहां लापरवाही हुई कि इतना बड़ा हादसा हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो बस है प्रयागराज से नागपुर जा रही थी, स्लीपर बस है जिसकी क्षमता 53 थी, लेकिन उस पे लगभग 45 यात्री सवार थे। और जैसे ही नादन थाना के महज 500 मीटर की दूरी पर ये हादसा हुआ है, एक हाईवा सड़क किनारे गिट्टी से ओवरलोड खड़ा था और रफ्तार में आ रही ये स्लीपर बस पीछे से जा घुसी है। इस हादसे में अब तक की जो जानकारी है उस पे से 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 8 पुरुष हैं और एक बालक की दर्दनाक मौत हुई है। और अभी इस पे 5 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिनमें से 4 का उपचार सतना जिला अस्पताल में चल रहा है, जबकि 1 को रीवा रेफर किया गया है। इस पूरे हादसे में 24 लोग घायल थे और ये लगभग जो हादसा है लगभग 11 बजे रात का हादसा है। और इसके बाद जो सब थे वाहन में बस में पूरी तरह से चिपक गए थे, जिनको गैस कटर की माध्यम से काट करके बाहर निकाला गया और लगभग 2:30 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। घायलों को मैहर और अमरपाटन के साथ साथ सतना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 5 लोगों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जिनके सबको निकाला गया था। 1 का रास्ते में मैहर जाते समय मौत हो गई थी और 3 जो गंभीर घायल थे उनको सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया था, उनकी भी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर इस हादसे में 9
9 लोगों की मौत हुई है और अभी 5 लोग गंभीर रूप से घायल है, जबकि अन्य लोगों को मामूली चोटें हैं जिनका उपचार मैहर और अमरपाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। लेकिन शिवेंद्र, अगर अन्य डिटेल्स की बात करें तो इस बस में जो यात्री थे वे कहाँ के थे, ज्यादातर यात्री कहाँ के रहने वाले थे, महिला पुरुष और बच्चों की संख्या क्या कोई आंकड़े सामने आए हैं, प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई राहत राशि या किसी तरह की राहत का ऐलान किया गया? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की भी सामने आई है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जिला कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंची हैं और न ही अभी तक मृतकों को सूचीबद्ध किया गया है और न ही किसी तरह से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है, जबकि ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 5 घंटे चला। इसके बावजूद भी पुलिस के आला अधिकारी वहां पे मौजूद थे, लेकिन जिला कलेक्टर वहां से नाराज रहे। मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये मृतक कहां के थे। संभावना जताई जा रही है कि इनमें मृतकों में कुछ इलाहाबाद के, कुछ रीवा के हो सकते हैं, चूंकि ये जो बस है प्रयागराज से रीवा आई थी और रीवा के बाद ये नागपुर जा रही थी, तो जानकारी यही लग रही है कि कुछ मृतक जो है प्रयागराज, रीवा और कुछ अन्य जिलों के हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से रीवा और अन्य जिलों के जो यात्री थे वो इसमें बताए जा रहे हैं, जो कि प्रयागराज से आगे की तरफ जा रही थी और इसी दौरान ये मैहर के पास हादसा हुआ है। आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि भोपाल में फेमस होने के लिए लोग फुहड़ता पर उतर आए हैं और भोपाल में भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। भोपाल के एमपी नगर इलाके में हाथ में तख्ती, एक युवक तख्ती लेकर खड़ा था। तख्ती पर उसने लड़कियों के बारे में अभद्र भाषा में लिखा हुआ था। लगातार बढ़ रहे महिला अपराध के बीच इस तरीके के वीडियो पर लोगों ने कड़ी आपत्ति भी जताई है और ये देखिए किस तरीके से बहुत ही अपमानजनक जो शब्द हैं वो इस तख्ती में लिखे हुए थे और इस युवक ने लेकर खड़ा हुआ था और ये बहुत ही गलत मैसेज जो उसने अपने इस तख्ती पर लेकर खड़ा हुआ है। वहाँ पर महिलाएं भी निकल रही थी और पुरुष भी निकल रहे थे, जिसने भी देखा इसका वीडियो बना लिया है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। भोपाल का एमपी नगर इलाका सबसे व्यस्ततम इलाका होता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं और इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल जिस तरीके की फुहरता देखने को मिल रही है फेमस होने के लिए बहुत ही आपत्तिजनक है। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, सोशल मीडिया पर लाइक्स और हिट्स के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे, इस बारे में ज्यादा चर्चा करना तो समय व्यर्थ करने जैसी बात है, लेकिन ये महिलाओं के प्रति अपराध और महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा के इस्तेमाल का मामला, ये तो गैर कानूनी है और इस पर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। कौन है ये शख्स जिन्हें मैसेज करने के लिए टेक्स्ट भी पूछने पड़ रहे हैं? इसी तौर पर देखिए बहुत ही आपत्तिजनक पूरा मामला है और ये भोपाल के एमपी नगर थाना क्षेत्र का जो एमपी नगर जोन 2 का पूरा इलाका है, जो काफी बड़ा कमर्शियल जोन है और नाम को बता दें कि यहीं पे भोपाल की सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर है और इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा लड़कियों का, महिलाओं का जो पूरे दिन आना जाना लगा रहता है और इसीलिए शख्स ने इस पूरी जगह को चुना और एक आप देख सकते हैं जिस तरीके से वो हाथ में तख्ती लेकर खड़ा है और उसमें बहुत ही आपत्तिजनक बात जो है वो लिखी हुई है। फिलहाल जो शख्स कौन है जो आइडेंटिफाई नहीं हो सका है, पुलिस जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके जरिए और जो लोग वहां पर मौजूद आ रहे हैं उनको भी ट्रेस करने की कोशिश कर रही है ताकि पूछताछ में पता चल सके कि ये व्यक्ति कौन है। पुलिस का कहना है जल्द ही इस व्यक्ति तक पहुंचा जाएगा और जो भी धाराएं होंगी साइबर क्राइम के तहत और सार्वजनिक जगहों पर इस तरीके की हरकत करने के तहत उनके तहत मामला दर्ज किया जाएगा और इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले इस इंदौर से एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया था और फिर अब भोपाल से इस तरीके की हरकत सामने आना, वो भी ऐसे समय में जब लगातार महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ घटनाएं बढ़ रही है, तो इस तरीके की विकृत मानसिकता को किसी भी रूप में बढ़ावा न मिले ये पुलिस को सुनिश्चित करना होगा और पुलिस का कहना है कि हम इस दिशा में काम कर भी रहे हैं। और वासु, ऐसा नहीं है कि लड़के ही बल्कि लड़कियां भी पब्लिक रिएक्शन किस तरह के आ रहे हैं उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल करके अच्छे हिट्स पाने के चक्कर में, क्या कुछ मध्य प्रदेश में भोपाल में हो रहा है ये हमने बीते कुछ दिनों में देखा। इससे पहले एक लड़की का भी वीडियो सामने आया था जिस पर कई संगठनों ने आपत्ति जताई थी, जो कि पब्लिक रिएक्शन देखने के लिए कि लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं, तो
वो सड़क पर निकल जाती हैं अपनी एक फैशन वाली ड्रेस पहन करके, और ये एक शख्स हैं जो ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसे मैसेज करें और क्या है, ये राय ले रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर हिट्स पाने के लिए ये भी एक तरीका है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, बच्चे से बेरहमी के मामले में खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल पुलिस ने महिला के खिलाफ FIR दर्ज की और बच्ची के गांजा बेचने से मना करने पर उसकी पिटाई कर दी गई थी, और बच्ची की पिटाई करने वाली महिला का नाम प्रतिमा सिंह बताया जा रहा है। आरोपी महिला मणिपुर थाना इलाके की रहने वाली बताई जा रही है, और ये उस वक्त का वीडियो है जहां पर महिला बेरहमी से बच्ची की पिटाई कर रही है और उसके हाथ में जो एक पाइप नुमा या कुछ इस तरह का वो लिए हुए जिससे उस बच्ची को बेरहमी से पीट रही है, और बच्ची पूरी तरह से चीख रही है, चिल्ला रही है और खुद को बचाने की गुहार लगा रही है, लेकिन महिला है कि उसे जरा भी बच्ची पर तरस नहीं आया और उसको बेरहमी से उसने न सिर्फ पीटा। अब इस पूरे मामले में न्यूज 18 ने जो खबर दिखाई थी उसका एक बड़ा असर हुआ है, और इस असर के चलते अब बच्ची से बेरहमी किए जाने के मामले में महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बढ़ते आगे कोरबा से अगली खबर, जहां एक युवती की प्रताड़ना से परेशान शख्स ने सुसाइड कर लिया। ऑटो ड्राइवर ने युवती की प्रताड़ना से परेशान होकर जान दे दी। पुलिस पर भी धमकाने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ आरोप लगाया गया है। हरदी बाजार थाना के बाजार मोहल्ला की घटना बताई गई है। मृतक ऑटो ड्राइवर का नाम अशोक यादव बताया जा रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जानकारी यह है कि युवती से इतना ज्यादा परेशान हो चुका था ऑटो ड्राइवर कि उसने जान दे दी, और पुलिस पर भी धमकाने के आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ उसने आरोप भी लगाया है, और हरदी बाजार थाना के बाजार मोहल्ले की घटना बताई गई है। देश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची में पढ़ने वाली इंदौर निवासी छात्रा लापता हो गई। दरअसल NIT त्रिची के हॉस्टल से MCA प्रथम वर्ष की छात्रा ओजस्वी गुप्ता 15 दिन से गायब है। छात्रा के घर वालों ने आरोप ये लगाया कि उसकी कक्षा के कुछ लड़कों की प्रताड़ना से परेशान होकर छात्रा को हॉस्टल छोड़ना पड़ा। 15 सितम्बर सुबह हॉस्टल से ओजस्वी निकली और तब से उसका कोई पता नहीं। हॉस्टल छोड़ने से पहले छात्रा ने पत्र में लिखा भी था कि पुरुष प्रधान समाज में रहना आसान नहीं है। ऐसे में इंदौर पहुंचे CM डॉक्टर मोहन यादव से परिजनों ने मुलाकात भी की और इस बारे में मदद की गुहार भी लगाई है कि उसकी बच्ची को तलाशने में सरकार सहयोग करे। तो वही CM मोहन यादव ने जल्द बेटी की तलाश करवाने और सरकार द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने का आश्वासन दिया है। देखिए, एक छात्रा अचानक से लापता हो जाती है और वो इतनी ज्यादा प्रताड़ित थी अपने क्लास के स्टूडेंट से कि उसे हॉस्टल भी छोड़ना पड़ा, और उसने एक लेख भी लिखा जिसमें उसने जिक्र किया कि वो कितना परेशान है, और अब क्लास के लड़कों से परेशान करने का उसने आरोप भी लगाया था। परिजन अब परेशान है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से उन्होंने अपनी बेटी को जल्द ही ढूंढ निकालने की मांग भी की है कि सरकार मदद करे, पुलिस प्रशासन मदद करे और उनकी बेटी को जल्द ढूंढ निकाले। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी पूरा आश्वासन दिया है, इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही गई है और जल्द से जल्द बेटी को ढूंढ निकालने के लिए CM ने आश्वासन दिया है। फर्स्ट ईयर में तमिलनाडु गई थी, NIMCET की एग्ज़ाम दी, 72 रैंक है इसकी, ऑल इंडिया रैंक अच्छी पढ़ रही थी, CR बनी। उसके बाद से इसको वहाँ पर बॉयज़ ने मेंटली हैरेसमेंट किया बहुत ज़्यादा, तो डिस्टर्ब हो गई, किसी को कुछ बताया नहीं। एक लेटर छोड़ा है जिसमें उसने लड़के किस तरीके से परेशान कर रहे थे कॉलेज में, अब ये कुछ नहीं पता, लेटर में मेंशन किया है कि मेंटली हैरेसमेंट किया गया है। क्या कभी बार होते हुए कुछ नहीं किया था? नहीं, बस कुछ नहीं है, सब पढ़ाई का लोड है, मुझे पढ़ाई करनी इतना ही बताती थी। मेरी बेटी त्रिची से 15 तारीख की सुबह 7 बजे संडे के दिन से गायब है, और वहाँ संडे के दिन जनरल बच्चों को घूमने फिरने की इजाज़त होती है, लेकिन रात तक वो नहीं आई। तो कॉलेज वालों ने हमें फ़ोन किया कि आपकी बेटी के आपको पता है, हमने बोला हमें नहीं पता है। फिर उन्होंने हमसे पूछा आप क्या करना है, थाने में हम रिपोर्ट डाल दें, उन्होंने थाने में रिपोर्ट डाल दी। नेक्स्ट डे से हमारा बच्चा और मिसेस वहीं हैं,
और वो बोल रहे हैं कि हम सर्च कर रहे हैं वहां की पुलिस। और बढ़ते आगे, रीवा में स्कूल से घर के लिए निकली दो छात्राएं लापता हो गई और पीड़ित परिजनों ने पुलिस से इस संबंध में मदद की गुहार लगाई है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। क्लास आठवीं कक्षा आठवीं में पढ़ती थी दोनों छात्राएं, सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर रीवा से, जहां स्कूल से घर के लिए निकली दो छात्राएं अचानक से लापता हो गई हैं। पीड़ित परिजन ने पुलिस से शिकायत की है, थाने में मामला दर्ज करवा दिया है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कक्षा आठवीं में ये दोनों छात्राएं पढ़ती थीं और अचानक से स्कूल से घर आते समय लापता हो गई हैं। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। दो छात्राएं गुमशुदा और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी। तो रीवा के पूरा मामला है, पीड़ित परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। दो छात्राएं जो कि कक्षा आठवीं की स्टूडेंट हैं, ये दोनों गायब हो। बुरहानपुर में युवक से शोरूम में मारपीट का मामला सामने आया, जहां बाइक सर्विसिंग कराने आया था युवक और उसके साथ मारपीट हो गई और इतना ही नहीं, जान बचाकर भाग रहे शख्स की मौत भी हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मृतक शख्स के परिजनों में अब इस बात को लेकर गुस्सा है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की वो मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुरहानपुर में शख्स से शोरूम में मारपीट की और बाइक की सर्विस करवाने के लिए शख्स आया हुआ था। हालांकि उस वक्त क्या परिस्थितियाँ बनी जिसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ और अचानक उसकी मौत हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण रहे अभी तक बहुत स्पष्ट ये नहीं हो पाया है। लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम है ये जांच का विषय है। बुरहानपुर से थाना। मारपीट का ये मामला, जहां कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है। शिकारपुर थाना का ये पूरा मामला है और शोरूम में बाइक की सर्विस कराने के लिए पहुंचे शख्स के साथ कई लोग मारपीट करते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वहां क्या परिस्थितियां बनी, किस वजह से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और बढ़ते आगे, बात करेंगे शिवपुरी से एक अहम खबर की, जहां पर मंडी बोर्ड ग्वालियर की उड़न दस्ता टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। दरअसल मंडी एसआई विकास शर्मा ने चेकिंग के दौरान बिना मंडी टैक्स जा रहे मूंगफली दाने से भरे ट्रक को पकड़ा। ट्रक को छुड़ाने आए ट्रांसपोर्टर दीपू तोमर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मंडी उड़न दस्ते की टीम पर हमला कर दिया। हमले के दौरान एएसआई विकास को हमलावरों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। लुकवासा चौकी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी जानकारी, जहां शिवपुरी में मंडी बोर्ड ग्वालियर की उड़नदस्ता टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। तो देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं, दो सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं, बेरहमी से मारते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और मंडी एएसआई विकास शर्मा ने चेकिंग के दौरान बिना मंडी टैक्स जा रहे मूंगफली दाने से भरे ट्रक को पकड़ा था और ट्रक को छुड़ाने आए ट्रांसपोर्टर दीपू तोमर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मंडी इंस्पेक्टर की और उसकी टीम पर हमला कर दिया। नाम से तो हम जानते नहीं है, पर रूटीन चेकअप चल रहा था, चेकिंग चल रही थी हमारी, एक हमारे साथ इंस्पेक्टर था और इसके बाद हमारा ड्राइवर और मैं, हम तीन लोग थे। तो एक मूंगफली के दाने की गाड़ी रोकी थी, तो इसके बाद कागज बनाए, इसके बाद कुछ लोग आए, तो मैं थोड़ा फ़ोन पे बात कर रहा था, दूर था, तो वो 10-12 लोग आए और उन्होंने हमला कर दिया। हम दो लोगों ने भक्के जान बचाई। और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर एक ब्रिटिश यूट्यूबर को उज्जैन की यात्रा महंगी पड़ गई। दरअसल इस ब्रिटिश यूट्यूबर ने महाकाल मंदिर के सामने भांग की दुकान से भांग वाली लस्सी पी ली और इसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दरअसल जो भांग का नशा था, नशा चढ़ने पर ब्रिटिश शख्स रोने लगा और उसने रोते हुए वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद देश भर के लोग उसके रोने वाले वीडियो पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। और ये जो भांग का सेवन उसने किया, इसका YouTube पर वीडियो बनाकर उसने अपलोड किया और उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो गई और भांग का नशा चढ़ने पर वो कई तरह की हरकतें करने लगा, कभी रोता था, कभी
उस बारे में समझाने की कोशिश करता था कि उसे क्या महसूस हो रहा है। हालांकि ये पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद अब उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया और यहाँ पर उसका इलाज चल रहा है और अभी क्या स्थिति है उसकी, इस पर भी हम आगे डिटेल्स आप तक पहुँचाएंगे। हालांकि ये यूट्यूबर यहाँ पर आया हुआ था घूमने के लिए और यहाँ भांग का सेवन करना उसके लिए मुसीबत का सबब बन गया। और बढ़ते आगे मुंगेली से अगली खबर, जहां एक लोमड़ी का आतंक फैला हुआ है। दरअसल लोमड़ी ने 7 लोगों पर अब तक हमला कर दिया है। लोमड़ी के हमले से ग्रामीण दहशत में है। लोरमी इलाके में घटना हुई है। लोमड़ी लोरमी इलाके में दहशत फैलाई हुई है। तलाश में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। पिंजरे लगाकर लोमड़ी की तलाश में जुट गई है और ये देखें कि लोमड़ी ने कई लोगों पर हमला किया है। तकरीबन 7 लोगों को इसने जख्मी किया है और इस हमले के बाद से लोग दहशत में हैं। बच्चे भी इसका शिकार हुए हैं, बच्चों के भी गंभीर चोट आई है। अब ये जो आतंक है ये पिछले कुछ दिनों से लगातार इलाके में जारी है और अब वन विभाग की टीम किसे मदद की आस है कि जल्द ही इसे पकड़ा जा सकेगा और जंगल छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई राहत नहीं है, सभी लोग डर के साए में जी रहे हैं। 2400 घंटे निगरानी करनी पड़ रही है। आपको मालूम है कि एक तरफ जहां एक भेड़िए का आतंक उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगातार जारी रहा पिछले 4 महीने से, लेकिन अब मुंगेली में लोमड़ी का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है और अब ग्रामीण डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। और इसी के साथ 7 की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।